दिल्ली में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। मार्च के महीने से गर्मी अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। आपको बता दें कि राजधानी में एक बार फिर गर्मी से लोग बेहाल होने लगे हैं। तो वहीं भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि 11 जून से हीट वेव खत्म हो जाएगी। वहीं विभाग ने दिल्ली, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में 11 जून को बादल और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में एक बार फिर भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि दिन में घर से निकलना भी मुश्किल है। तो वहीं मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम ताप 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान के 1 डिग्री सेल्सियस कम है। विभाग ने शहर के कुछ हिस्सों में लू चलने की चेतावनी भी दी है, साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में रविवार को लू चली और 6 इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को न्यूनतम ताप 28 डिग्री और अधिकतम ताप 43 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।